एवरीवन, दिस इज योर विकी सिंह। मैं आपका स्वागत करने आ गया हूँ अराइज एकेडमी में। हमारे पास 10th स्टैंडर्ड का स्पीड से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन चैप्टर नंबर सेकंड में। आज मैं चैप्टर नंबर वन का जो स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और समझिए फिर से सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा प्लेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट एंड दे आर ऑन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट रोड। हमें ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी ऑन अ बाइक। एक स्ट्रेट रोड है बेटा, ये एक स्ट्रेट रोड है, ये स्ट्रेट ए से लेके बी तक, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। टोटल जो डिस्टेंस इसका कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। एक हमीद है और एक जोसेफ है। एक हमीद है और एक जोसेफ, ये दोनों फ्रेंड है। इन्होंने अपनी एक बाइक स्टार्ट किया और मिलने का प्लान किया और दोनों ने बाइक, एक ने ए से स्टार्ट किया और एक ने बी से स्टार्ट किया। अब देखो बेटा, जब हमीद जाएगा तो ए से बी तक जाएगा और जोसेफ जाएगा तो बी से ए तक जाएगा, ये बात तो क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या है, ए टू बी ऑन एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम बी ऑन अ बाइक ट्रेवल टूवर्ड्स एंड दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट। ओ, हमीद ने अपनी बाइक स्टार्ट किया, अब वो स्पीड में जाए या स्लो जाए या कॉन्स्टेंट जाए पता नहीं, सेम जोसेफ ने भी स्टार्ट किया, दोनों का क्या स्पीड है वो पता नहीं, पर 20 मिनट बाद, आफ्टर 20 मिनट वो दोनों मिल गए। शायद जोसेफ, हमीद फास्ट चलाया होगा, हमीद ने फास्ट चलाया 30 किलोमीटर से, हो सकता है हमीद 25 किलोमीटर पार कर लिया होगा, जोसेफ आराम से निकला होगा, होता है ना, कहां पे हो, हाँ अभी मैं निकला हूं, अभी मैं घर पे हूं, ऐसा होता है। तो जोसेफ ने 5 किलोमीटर चलाया होगा, हमीद ने 25 किलोमीटर होगा, दोनों की स्पीड पे डिपेंड है बेटा। बट हमको ये नहीं पता कि जो हमीद की क्या स्पीड थी और जोसेफ की क्या स्पीड थी, तो हम लिखेंगे लेट हमीद स्पीड इज एक्स किलोमीटर पर आवर। हमीद की कितनी स्पीड है, एक्स किलोमीटर, एंड जोसेफ की कितनी है, जोसेफ स्पीड इज वाई किलोमीटर पर आवर। जोसेफ की कितनी है, y किलोमीटर पर। अब दोनों कितने मिनट बाद मिल रहे, 20 मिनट बाद मिल रहे, मतलब टाइम है हमारे पास और डिस्टेंस है। देखिए बेटा, हमारे पास दो चीजें यहाँ पे, यहाँ पे है टाइम, टाइम कितना बेटा, टाइम है 20 मिनट, टाइम कितना दिया है 20 मिनट। अब मिनट को मैं आवर्स में कन्वर्ट करता हूँ, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बात आवर्स में हो रही है, तो 20 मिनट का आवर्स में हो जाएगा 20/60, मतलब 0.02123 सा, तो ये हो जाएगा 1/3, बराबर, ये आवर्स हो गया। और हमारे पर डिस्टेंस भी दिया है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है हमारे पास 30 किलोमीटर। तो जब हमारे पास दो चीजें, टाइम भी है डिस्टेंस भी है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला याद हो जाएगा, किसका फॉर्मूला, स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होगा स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास हमीद की स्पीड और जोसेफ की स्पीड नहीं पता, बट हमें यह पता है कि दोनों निकलने के बाद कितने किलोमीटर ट्रैवल किया, 30 किलोमीटर दोनों ट्रैवल किया, दोनों ने कितना कवर किया, 30 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो हमारे पास स्पीड नहीं है, बट हमारे पास टाइम भी है और हमारे पास उनका डिस्टेंस भी है। तो दोनों ने मिलकर जब 30 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो दोनों में से हमीद ने कितना ट्रैवल किया और जोसेफ ने कितना ट्रैवल किया वो नहीं पता। तो हम इस फॉर्मूला को लगा सकते, हमें पता कि दोनों ने मिलकर 30 किलोमीटर का ट्रेवल किया, तो हम लगाएंगे स्पीड, डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड इधर वाला निकाल, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो मैं अभी सबसे पहले किसका निकालता हूं, हमीद का निकालता हूं, हमीद का डिस्टेंस मेरे को दोनों को मिला के डिस्टेंस पता है, बट इंडिविजुअल नहीं पता, इसलिए मैं दोनों का इंडिविजुअल निकाल रहा हूं। हमीद डिस्टेंस निकालता हूं, तो हमीद का जो डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है हमीद की भैया, एक्स है, टाइम कितना ले रहा है, 1/3 का टाइम ले रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स 3। क्लियर बेटा। अब सेम जोसेफ कितना ले रहा है, जोसेफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया, जोसेफ ने किया वाई इंटू 1/3, मतलब ये हो जाएगा y/3। अब दोनों, हमीद का डिस्टेंस x/3 है, जोसेफ का डिस्टेंस y/3, दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस कवर किया, 30 किलोमीटर। सो एज पर माय फर्स्ट कंडीशन, एज पर फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे x/3 + y/3 दोनों का मिला के कितना हुआ, 30 किलोमीटर।
देखो यहाँ पे दोनों का मिला के डिस्टेंस दिया था, इसलिए हमने डिस्टेंस का यूज किया। दोनों मिला के स्पीड देते तो हम लोग स्पीड का यूज करते। जो हमें दोनों का मिला के फाइंड आउट कर दिया होता है हम उसका यूज करेंगे। ये कबाब की हड्डी 3 है, इसको रिमूव करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 इंटू एक्स अपॉन 3 प्लस 3 इंटू वाई अपॉन 3, 3 इंटू 30, ये कैंसल हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब बात को समझिए सेकेंड इक्वेशन का। ये सेकेंड इक्वेशन क्या दिया आपको, सेकेंड कंडीशन पर समझेगा। इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा बच्चों, इस बार क्या हुआ, अगली बार कंडीशन में क्या हुआ कि जोसेफ ने बोला मैं इस बार यहां से नहीं जाऊंगा, इस बार मैं यहां से स्टार्ट करता हूं और ऐसा घूम के जाने वाला हूं, ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां पे जोसेफ 1 किलोमीटर में, हम यहां पे देखिए हमीद और जोसेफ की मैं स्पीड बता, डिस्टेंस बता रहा हूं। अगर 1 घंटे में वो कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहे थे, एक्स किलोमीटर, 1 घंटे में वो 1 किलोमीटर जाएंगे, राइट। एक्स किलोमीटर मतलब 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे, 2 घंटे में कितना हो जाएगा 2x, 3 घंटे में कितना हो जाएगा 3x, 4 घंटे में कितना होगा 4x। मतलब हर घंटे में वो क्या कर रहे हैं, पर आवर्स में वो 1 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। तो जोसेफ यहां से स्टार्ट करता है और हमीद क्या बोल रहा है, हमीद वुड हैव कार्व्ड हिम आफ्टर 3 आवर्स। हमीद उसको 3 घंटे बाद पकड़ लेता है, यहां पर हमीद ने पकड़ लिया। जोसेफ ने यहां से स्टार्ट किया, जा रहा है भाई जितना जा रहा है, हमीद ने उसको कितने घंटे पकड़ा, 3 घंटे में बच्चों। तो जोसेफ की यहां, जोसेफ ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा यहां पे, कितना, 1 घंटे में x किलोमीटर, 2 घंटे में 2x किलोमीटर, 3 घंटे में वो कितना ट्रेवल किया होगा जोसेफ ने, 3x। जैसे यहां पे जो यहां पे y है ना, ये 3 घंटे में इसने कितना ट्रेवल किया होगा डिस्टेंस, 3y, और जोसेफ ने कितना कवर किया 3 घंटे में, 3x। बट यहां पे जोसेफ का याद रखो बेटा, जोसेफ ने यहां से स्टार्ट किया है तो जोसेफ की जो वैल्यू आएगी, एक तो ये 30 आएगी प्लस 3x भी आएगी, 3x इसका हमीद का और 3y किसका, जोसेफ का। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय हमीद, डिस्टेंस ट्रेवल बाय हमीद का कितना हो जाएगा 3x, एंड 3x पर आवर्स, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जोसेफ कितना हो जाएगा बेटा, 3y पर आवर्स, ठीक है। अब यहां पे देखो हमीद की वैल्यू क्या आएगी बेटा, बट आपने देखा हमीद और जोसेफ ने 1 घंटे में दोनों जा रहे डिस्टेंस, 1 घंटे में 1 किलोमीटर, 2 घंटे में 2x किलोमीटर, पर आवर 3 घंटे में 3x किलोमीटर। बट यहां पे हमीद की जो वैल्यू हो जाएगी, हमीद क्या हो जाएगा पता है, यहां पे हमीद की वैल्यू हो जाएगी ये पूरा डिस्टेंस प्लस 3y, मतलब ये क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 30। ये तो कवर करेगा क्योंकि हमीद यहां से जा रहा, हमीद यहां नहीं जा रहा, हमीद यहां से स्टार्ट कर रहा, मतलब ये 30 प्लस ये क्या हमारा 3y, 30 प्लस 3y बराबर ना। अब इसको लेके आ जाओ, इसको इक्वेशन बनाओ, इसको जनरल फॉर्म में 3x प्लस 3y आने का क्या हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल्स टू 30 इज इक्वल्स टू 30। तो बेटा हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, सिंप्लीफाई, तो इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो 3 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को हम साथ में रखेंगे तो प्लस माइनस का साइन है, y को टारगेट किया, y ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब ऐड करके ये हो जाएगा। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, सो x प्लस y इज इक्वल टू 90 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 10, ये कैंसिल हो गया, 2x हो जाएगा इज इक्वल 90, ये हो जाएगा 100 बराबर है, ये 100 यहां पे मैं सॉल्व करता हूं बेटा। सो 2x इज इक्वल टू क्या हुआ 100, सो x इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 2, मतलब x इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। x कौन था, हमीद की जो स्पीड है कितना है 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमें किसकी निकालना है, जोसेफ की। अब 50 वैल्यू, एक की वैल्यू है दूसरी इक्वेशन में पुट कर लो, सो पुट x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1, सो x प्लस y इज इक्वल टू 90, मतलब x कितना आया 50 प्लस y इज इक्वल टू 90, सो y इज इक्वल टू 90 माइनस 50 और y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40, मतलब यहां पे
वाई कौन था, जोसेफ था, तो जोसेफ की क्या स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और हमिद के क्या स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। यही था हमारा क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से देखिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और एग्जाम में प्रॉपरली लिखिए। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट में।